फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितिन और ये हैं मेरा नाम है जसप्रीत। हमारे पास जी हैं जसप्रीत जी। तो हम आज एक डिश के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि साइड बाय साइड है। सैमसंग में एक मॉडल आता है RF63A91 जो कि कन्वर्टेबल फ्रिज है, उसका हम आप उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए सर फ्रेंड, हम शुरू करते हैं साइड बाय साइड जिसका मॉडल है RF63A91। जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैमसंग के एक बड़े सेगमेंट की जो कि 670 लीटर में आता है। ठीक है, ये फ्रेंच डोर में आएगा जिसमें 4 डोर होंगे। ठीक है, इसमें आपको ये नीचे फ्रीजर मिलेगा। अगर पूरे फ्रीजर की जरूरत आपको नहीं है, अपने आप सहूलियत के हिसाब से इस पोर्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज में। ठीक है, ऊपर का कंपार्टमेंट रहेगा फ्रिज। मॉडल क्या है फ्रिज का? मॉडल इसका है RF63 जो कि 670 RF63A91। हाँ, ये और इसमें आपने कोई भी फ्रिज में देखा होगा कि उसका जो बास्केट होता है कन्वर्टेबल नहीं होता, इसमें कन्वर्टेबल भी दिया हुआ है। ठीक है, आपने अगर कोई फ्रोजन आइटम इसमें रखी है, नीचे आपने कन्वर्ट कर दिया फ्रिज में, ठीक है, आपका जो फ्रीजर है वो छोटा है, आप अपना फ्रोजन आइटम आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 फैन के थ्रू कूलिंग होगी। ठीक है, जो तीन फैन होंगे जो ट्रिपल कूलिंग है सर, ये ट्रिपल कूलिंग 3 फैन के थ्रू होगा। ठीक है, ये आपको बाहर से डुअल टोन में आएगा। ठीक है, ये डुअल टोन में है। आपको जो अपने घर का जो आपका जिस तरीके की भी आपने वॉल्स वगैरह लगा रखी है, आप क्या करेंगे कंपनी से, इसके कुछ बड़े मॉडल्स आते हैं 936 लीटर के करीब, जो इन सभी सेगमेंट में आप इन सभी टोन में ग्लास आप अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है, ये ग्लास का कुछ पैसा रहेगा, वो आपको एट द टाइम वो बिलिंग वो बताएंगे, वो पैसा आपको घर पे देना होता है क्योंकि आप खुद देखेंगे बाद में, आपको जब इसका जो भी बुकलेट मिलेगी उसके हिसाब से। अच्छा, मतलब हम इसको अपने अपने हिसाब से, बिल्कुल आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं ग्लास। अच्छा, को अच्छा, जिस तरीके की जिस कलर की आपके घर में वॉल है, आपको चाहिए कि ऊपर ये मेरे को प्रॉपर पिंक चाहिए, तो घर में आके ग्लास लगा के जाएंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ग्लास भी इंस्टॉल ही करके जाएंगे वो। ओके, ठीक है, बाकी 670 लीटर में। और इस फ्रिज का जो रेफ्रिजरेटर प्राइस है, इस फ्रिज का प्राइस आपको अप्रोक्स पड़ेगा 2,45,000 रुपए, जो कि 20 साल की कंप्रेशर वारंटी के साथ आ रहा है। सैमसंग कंप्रेशर वारंटी आपको 20 ईयर्स देगा और 1 साल की बाय डिफॉल्ट रहेगी जो कंप्लीट रहेगी। पहले तो 10 ईयर्स था, 10 ईयर्स था, कंपनी ने 20 ईयर्स दे दिया है। अब कंपनी को देखिए कॉन्फिडेंस होगा कंपनी को अपनी कंप्रेशर पे। हालांकि हम कस्टमर को लाइफ इसकी 10 से 15 साल ही बताते हैं, 12 साल 13 साल, लेकिन कंपनी 20 साल दे रही है कंप्रेशर। इसका जो मटेरियल है वो किस चीज़ का है? क्लैरिक में है सर, ये सारा क्लैरिक मिलेगा आपको, मतलब मजबूत होता है, मजबूत होगा, टूटेगा नहीं। अच्छा, हालांकि बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं। और एक बार फिर से जो है, ये कन्वर्टेबल फ्रिज है? कन्वर्टेबल फ्रिज है, कन्वर्टेबल है। और उसके नीचे जो है आपके नीचे दोनों फ्रीजर है, आप इस कंपार्टमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टफन ग्लास में है, बहुत तेज अगर शॉक होगा तो ही टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटता। कन्वर्ट मोड, कन्वर्टेबल के सारे एक बार मोड फिर से बताओ कैसे कैसे है। देखिए, ऊपर आपका फ्रिज रहेगा, नीचे रहेगा फ्रीजर। ठीक है, ठीक है, दोनों, हाँ दोनों फ्रीजर है। आप इसमें से इस कंपार्टमेंट को फ्रिज बना सकते हैं, जो ऊपर की कूलिंग है वो नीचे रहेगी। ठीक है, बाकी एक फ्रीजर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका फ्रीजर रहेगा। बाकी आप इसमें ना वाटर बॉटल का स्पेस आपको काफी अच्छा दिया गया है। आप पानी अगर ज्यादा रख रहे हैं, यहाँ पे 2-2 लीटर की 3 बोतल रख सकते हैं और इस तरफ 2-2 लीटर की 3 बोतल रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही में इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं, इसको आप अगर आपने फ्रोजन आइटम स्टोर करने के लिए कन्वर्ट किया है, जी यहाँ पे आप ग्रीन चिलीज वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ग्रीन चिली हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, कुछ भी आप छोटा मोटा वेजिटेबल्स होता है वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अलग से। ठीक है, बाकी इसकी सबसे मेन बात ये है, एक तो ये क्लासिक लुक तो दे ही रहा है, ठीक है, आपको जी हाँ इतने बड़े सेगमेंट में बहुत अच्छी लुक दे रहा है ये, जिस तरीके से भी आप इसको कस्टमाइज करें किसी भी कलर में। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर आप अपने मोबाइल से वाईफाई के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो वाईफाई का मतलब क्या यूज है इसके अंदर? यूज ये है, जैसे कि अगर कोई चीज आपने कन्वर्ट करने के लिए रखी है, ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया जी, और वो चीज आपको ज्यादा देर के लिए नहीं रखनी है जी, आप भूल गए हैं, घर से निकल गए हैं, आप अपने फोन से ही इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं।
वापस फ्रिज में। अच्छा, मतलब उससे खराब होने वाली चीज आपकी बच जाएगी। तो ठीक है, जैसे कि ये पोर्शन मैंने आपको बताया कि आप इसको फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें ज्यादा देर के लिए कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं रखना है, आप उसको अपने मोबाइल के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके ये रेफ्रिजरेटर की वाईफाई की। तो उससे हम जो मेरे ख्याल में टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ऑन ऑफ करना चाहें वो भी हो सकता है। बिल्कुल, एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, आप इजीली सारी चीजें उससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी एरर ये डिटेक्ट करता है, आप अपने फोन पे ही देख सकते हैं उसको। कि सर्विस सेंटर में अगर आप कॉल करें तो वहां से वो प्रिपेयर होके आता है टेक्नीशियन, उसके लिए दोबारा जाने की जरूरत नहीं। ऐसा क्या उसके अंदर कुछ स्मार्ट फीचर दिया हुआ है? स्मार्ट फीचर दिया हुआ है, स्मार्ट, ये स्मार्ट जो फीचर्स है वो वाईफाई के साथ ही आता है। अच्छा, ये वाईफाई कंट्रोल भी आप कर सकते हैं इसको। तो मतलब वाईफाई के थ्रू ही इसके अंदर पता लग जाएगा क्या एरर आ रहा है मशीनरी का। आपका फोन तो नेट कनेक्टिविटी में रहता ही है, इसको अगर आपने वाईफाई कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है, इसके सारे फीचर्स आप अपने फोन में ही देख सकते हैं। ये अगर कोई एरर करता है अंदर इसके कंट्रोल पैनल में, ये इसका कंट्रोल पैनल है, यहीं से आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहीं पे एरर शो करेगा तो वो आपके फोन में भी शो करेगा। ये डिजिटल पैनल है, यहाँ पे क्या बटन्स वगैरह दिए हैं? ये बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप है? ना बटन्स है, पुश बटन है। ठीक है, बाकी इस प्राइस रेंज में 670 लीटर के साथ अगर आप जाना चाहें तो बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत क्लासी लुक देगा आपके घंटे।